सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। पेनबस्ट में इस सप्ताह आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं बातें बहुत करने वाली हैं लेकिन इस वक्त जो बहुत ही इशू जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में चल रहा है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी थिंग एल्स आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पिछले दो दिन रशिया में एक मीटिंग अटेंड करने गए हुए थे एस सी ओ यह शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके आठ मेंबर हैं उसका चाइना भी मेंबर है उसका रशिया भी, भी मेंबर है और इंडिया भी मेंबर है उस सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने जहाँ पर मुलाकात की डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया वहीं पर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना के साथ भी मुलाकात की उसका रिज़ल्ट अब आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा कि क्या हुआ हम ये जानते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान जो है इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन 2.7 बिलियन डॉलर है सॉरी 2.7 बिलियन लोग हैं और ये एक न्यूक्लियर पावर जो हैं दोनों जी ये वहाँ पर बैठे हुए हैं और आपस में इनका जो झगड़ा 1950 से शुरू हुआ, हुआ या अभी नहीं शुरू हुआ ये 1950 से झगड़ा शुरू हुआ हुआ है और जब तिब्बत में एक चाइनीज़ रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ और वहाँ से दलाई लामा जो हैं वो भाग के हिंदुस्तान में आ गए और 1959 के बाद हमने देखा कि 1962 में चाइना ने हिंदुस्तान पर हमला भी कर दिया पिछले लगातार अगर हम देखें अभी दो दिन पहले पेंगोंग सौ के ऊपर दोबारा फोर्सेस चाइनीज़ फोर्सेस ने कोशिश की कि ऊपर जाने की उससे पहले हम जानते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स गालवा वैली कोंगरेंग नाला जी एंड पेंग इन लद्दाख और उससे पहले हम ये भी जानते हैं कि 20 सोल्जर जो थे हिंदुस्तान के शहीद हुए 20 जून को अब हिंदुस्तान की भी फौज जो है वो वहाँ पर बॉर्डर्स में ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उधर से जो अभी लेटेस्ट जो खबर आई है जो कि ख़ुद हिंदुस्तान के, के जनरल्स ने और हिंदुस्तान की आर्मी ने ये कहा कि चाइना बहुत ज़्यादा बिल्ट कर रहा है अपनी फ़ौजों को टैंक के साथ एयरफोर्स के साथ और मैन पावर के साथ हिंदुस्तान के जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो वहाँ पर दो दिन के लद्दाख पर दौरे पर गए हुए थे और उन्होंने भी ये बयान दिया कि सिचुएशन काफ़ी नाजुक है लेकिन हमारी प्रेपरेशन भी उतनी ही अच्छे तरीके से चल रही है और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं हमारी जो आर्मी के लड़ने वाले इंसान हैं वो दुनिया के बेस्ट माने जाते हैं और उधर चाइना और इधर हिंदुस्तान क्या ये जो क्रैशज़ हैं ये बढ़ेंगे या कम होंगे और दूसरी तरफ चाइना का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बढ़ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि हमारी इकॉनमी जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड करती है किसी ज़माने में वो सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ऊपर कहा करते थे लेकिन दो दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि हमारी इकॉनमी चाइना के ऊपर डिपेंड करती है ये भी एक ख़तरनाक इशू है कि क्या मतलब चाइना जो है वो टोटली पाकिस्तान के अंदर जा चुका हुआ है ये ताहिर साहब बताएँगे लेकिन हमारे जो जनरल हैं वो तैयार हैं हमारी आर्मी तैयार है क्या ये लड़ाई होगी या नहीं होगी ये बात जो है तायरे साहब से पूछते हैं बात ये डॉक्टर साहब कि चाइना का जो एग्रेसिव रवैया है वो मैं समझता हूँ कि चाइना की फ्रस्ट्रेशन की वजह से है आपने बात की कि भारत को बहुत सारे मुश्किल का सामना बिल्कुल है कोविड की वजह से पूरी दुनिया को है चाइना को भी कम मुश्किल का सामना नहीं है इस वक्त क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में अपने कारोबार को फैला चुका हुआ था अब वो पूरी दुनिया इनके कारोबार को सुड़ रही है एक तो कोविड की वजह बनी कि चाइना ने जिस तरह दुनिया को मिस गाइड या मिसलीड किया एक तो ये दुनिया इससे इनआई थी दूसरा खुद जो चाइना का कैपिटलिस्ट सो कॉल्ड कोट कोट रवैया दुनिया के साथ दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है दुनिया कहती है कि आप अपने टर्म्स पे तो कारोबार करते हो इंटरनेशनल टर्म्स पे नॉर्म्स पे कारोबार नहीं करते हैं। तो वो भी चाइना को मसला है तीसरा दुनिया पूरी की इकॉनमी अगर इफेक्ट जैसा कि हो रही है वो अल्टीमेटली चाइना की भी इफेक्ट होगी चूंकि चाइना काफी बड़ा सप्लायर रहा है दुनिया भर का अफ्रीका से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक अपनी छोटी चीजें बड़ी चीजें बेचने में तो चाइना को ये अंदाजा है कि भाई मैं जिस मुकाम तक पहुंच चुका था वो मैं धड़ाम से नीचे गिर रहा हूँ ऊपर से जो दुनिया की पॉलिसियाँ हैं चाहे वेस्ट हो चाहे आ, इवन अफ्रीका हो वो भी चाइना के ख़िलाफ़ होती जा रही हैं और वो कोई एक दो सालों के लिए नहीं है वो लंबे अरसे के लिए है तो चाइना की ये जो फ्रस्ट्रेशन है उस वजह से उसने टेस्ट किया था वाटर अपने रीजन में अपने मसल्स दिखा के वो भी इस बार उसको महंगा पड़ा उसको अंदाज़ा हुआ जब भारत ने जब ये ऐप्स का सिलसिला शुरू किया बहन करने का तो चाइना के होश थकाने आ गए क्योंकि देखिए जंगों में जंगें होती हैं नहीं होती हैं वो तो ब्लंडर्स की वजह से आज के ज़माने में होंगी वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में वो तो फिर कुछ रहता नहीं लेकिन ये जो जंग है ना सबसे ख़तरनाक वो चाइना को उसका हुआ आपने कहा कि पाकिस्तान का आपने बीच में जिक्र किया पाकिस्तान की तो आज ही दो बड़ी ख़बरें हैं देखिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात होती है इमरान खान कहते हैं कि भाई आ, हमारी तो इकॉनमी चल रही है इनके ऊपर लेकिन ख़बर ये है कि सदर जी ने पाकिस्तान का दौरा ही कैंसिल कर दिया है और उसके पीछे पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो सी पैक है इस सिलसिले में चाइनीज़ खुश नहीं है ना सिर्फ पाकिस्तान के कमेंटेटर कह रहे हैं जो चाइना के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उन्होंने कहा है कि सी पैक चाइना की तो के मुताबिक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आगे नहीं जा रहा तो इसका मैसेज ये है कि सदर जी ने पाकिस्तान आकर क्या करना है ये है ग्राउंड रियलिटी इन फैक्ट अब इमरान खान का वो हाथी के दांत तो खाने के और दिखाने के और वाली बात है वो ये कहना कि हमारी इकानमी ऊपर डिपेंड कर रही है वो मजबूरी है एक तो ये है कि इकॉनमी पाकिस्तान की है ही नहीं कोई जितनी भी है वहाँ से कर्जा थोड़ा बहुत आता है मगर जो इकॉनमी उनकी चला करती थी मिडल ईस्ट या अमेरिका के सर पे तो वो तो इनको कोई प्रेशर नहीं होता था वो कर्जे नहीं होते थे वो तो खैरतें होती थी वो तो मतलब चैरिटी होती थी ठीक है ना कुछ काम कर अब इनके तो वो कर्ज़े हैं और बहुत ही हाई रेट इंटरेस्ट पे हैं सिर्फ हाई रेट इंटरेस्ट ही नहीं है उनके साथ पता नहीं क्या क्या खुफ़िया माहे हैं जो टेरिटोरियल क्लेम्स के हैं पाकिस्तान के लिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आज ही मैं पाकिस्तान के कमेंटेटर्स की, की खबरें पढ़ रहा था वो कह रहे थे जो बड़े सूरतयाल को जानते हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत दिक्कत है क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है और अमेरिकन प्रेशर से पाकिस्तान बाहर नहीं आ सकता इसलिए कि वो उस रीजन का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है अमेरिका बेशक इधर ही बैठा हुआ है लेकिन वो उसके स्टेक्स हैं वहाँ पर और पाकिस्तान इतना पैसा खाया हुआ आजकल नहीं मिल रहा तो अलग बात है लेकिन पाकिस्तान को ये पता है कि चीन से पैसा इकॉनमी जो वो डिपेंडेंसी की बात करते हैं दिखाने के लिए ये बात करते हैं वो कभी भी नहीं हो सकती चीन नहीं पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप भी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के थ्रू अमेरिका बात करता है जी, पाकिस्तान जी। के साथ आजकल ज्यादातर और दूसरा प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से बयान देना हाँ जी जबकि उनके इंटरनल अपने बहुत इश्यूज जो हैं इस वक्त हैं उनके अपने जो बाजवा साहब जो उनके एडवाइज़र हैं उनके बड़े इश्यूज उठे हुए हैं और कई इश्यूज हैं तो इस किस्म का बयान देने में पाकिस्तान क्या शो कर रहा है आ, इंडिया को कि नहीं ये हम तो आ, हम और आ, चाइना बिल्कुल एक है नहीं वट वाज रीज़न देखिए एक तो वो इंडिया को भी शो कर रहा है एक फैक्टर उसमें है दूसरा फैक्टर वो प, अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए काम करते हैं चूंकि जो भी सरकारें होती हैं ना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी उनकी अपनी जनता होती है अब वो पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट या हुकूमतें यही कह रही हैं तिहत्तर साल से कश्मीर लेंगे भारत दुश्मन है चीन हमारा यार है ये ये सबसे बड़े नेरेटिव हैं ना कश्मीर आता यार ना भारत का कुछ बिगाड़ सके और अब ये कश्मीर अपना यार है वो भी नहीं है तो अब किसी बात पे भी तो उनको वो जिसे कहते हैं ना इसरार करना है अड़ना है तो अब वो बार बार अभी इमरान खान ने दो दिन पहले इंटरव्यू फिर दिया एक फॉरेन मीडिया आउटलेट को ठीक है उसमें उन्होंने यही कहा कि हम चीन पे चीन की दोस्ती हमारे साथ कमाल की है और कश्मीर लेकर रहेंगे और भारत को हम पूरी दुनिया में जलील करवाएंगे मतलब यही यही नहीं था रह ना और उसके साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की। जी उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस है कि दुनिया की जो उसको हम यूनाइटेड नेशनस कहते हैं जी वो आज तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सके कि जो पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर के बारे में वहाँ पर बड़े जुल्म हो रहे हैं उसको वो सुन ही नहीं रहे पता नहीं क्या वजह है कि हिंदुस्तान को ज़्यादा सुन रहे हैं हमें नहीं सुन रहे इसके पीछे आपको बताएंगे कि क्या क्या क्या, क्या नरेटिव है नहीं उसके पीछे डॉक्टर साहब बड़ी सीधी सी बात यह है कि वो ये कह नहीं रहे है? कि यूनाइटेड नेशन एक तो ये नहीं सुन रहा दूसरा यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिस्ट उनको हर छः महीने बाद देता है ये भी तो इमरान खान बताए ना कि यही यूनाइटेड नेशन है ने जिससे आप तो को कर रहे हो एक्सपेक्ट करते हो कश्मीर की बात करेगा वो कश्मीर के जहाज पर ही आपको एक लंबी सी लिस्ट देते हैं हर छह महीने बाद वो कहते हैं कि आप ये टेर्रिजम कर रहे हैं तो कैसे यूनाइटेड नेशनज या इंटरनेशनल बॉडीज मानेगी पाकिस्तान की कश्मीर के कलेम को वो तो उल्टा इनको कह रहे हैं कि आप ये टेर्रिजम कर रहे हो और इंडिया में सबसे ज्यादा कर रहे हो जाके तो मतलब इमरान खान सिर्फ अपनी अधूरी बात बताते हैं ना वो दूसरी बात तो बता ही नहीं रहे राइट डॉक्टर साहब मैं आपको कहूँ जी कि आप टेररिज्म घर में करते हैं hmm. उसके बाद मैं आपसे कैसे एक्सपेक्ट करता हूं आपसे आप ये भी कहूं आप मेरे घर के भी कस्टोडियन बन जाए ठीक hmm. ये दो बातें एक साथ तो नहीं चल सकती ना तो यूनाइटेड नेशन ये दो बातें कैसे एक ही वक्त में कहेगा वो तो यही कहेगा कि भाई आप ही टेररिज्म कर रहे हो चूंकि सबूत मौजूद है फैटर्स में ये फंसे हुए हैं तो डॉक्टर साहब ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पन के लिए है आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और जनता पूरी दुनिया की जो होती है ना वो बेवकूफ़ बनती भी है सोशल मीडिया बेशक जितना मर्जी उनको इन्लाइटनमेंट दे अवेयर करे लेकिन दूसरी तरफ वही सोशल मीडिया उनको गुमराह भी बहुत कर रहा होता है तो आम जनता जो होती है वो अपने सेट नेटिव के साथ ऑलरेडी बैठी होती है चाहे किसी भी कंट्री की हो वो सेट नरेटिव की लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पर सोशल मीडिया और मीडिया को देखते हैं ऐसा नहीं होता कि वो उसको देख के बदले वो ये होता है कि जो उनका ऑलरेडी सेट नैरेटिव है जनता का वो उसके मुताबिक ही चीज़ें ढूंढते हैं और अपनी बात को अपने आर्गूमेंट को आगे बढ़ाते हैं लेकिन इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी कुछ चार पांच रोज पहले अमेरिका ने खुल के कहा कि हम नेटो स्टाइल का एक अलाइंस जो क्वाड पहले ही बना हुआ है लेकिन उसको वो एक्सपेंड कर रहे हैं पर मैं ना यहाँ पर, जी, जी, पर आपको रोकूंगा जी एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका और मतलब और कंट्रीज का मिलके चाइना के अगेंस्ट जी हम वहाँ पर एक आर्मी नाटो की तरह एक आर्मी का यूनिट बनाए मतलब जी, जी, नाटो यूनियन बनाएंगे दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो है वो एस का मेंबर है जी अब ये ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग है एस सी ओ का मेम्बर का मतलब ये है कि आप चाइना और रशिया के साथ वहाँ पर बैठ के बात करते हो दूसरी तरफ आप अमेरिका के साथ मिल के जी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हो अगेंस्ट चाइना ये दोनों बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट हैं। दरअसल पहली बात यह है कि ये कोई भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ कुछ करने नहीं जा रहा भारत अपनी जरूरत के लिए कर रहा है नहीं नहीं yes. ये, ये बता नहीं पहली ah, बात ah, हमें ah, रखनी होती है दूसरी बात ये यह में रखिए कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होती ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये प्रॉब्लम होता है अब mm. भारत का चीन के साथ रिलेशनशिप कभी भी स्मूथ नहीं रहा ये बात तो तय है ना mm. भारत की इंडिपेंडेंस से लेके मैं सिक्सटी टू की बात नहीं कर रहा मैं इंडिपेंडेंस के दिन से लेके आज तक भारत का कभी भी चीन के साथ रिलेशनशिप स्मूथ नहीं mm. रहा लेकिन इसके बावजूद भारत और चीन की तजारत तो होती रही है आज के दिन भी जब दोनों मुल्कों की बड़ी टेंशन है ऐप्स बंद हैं सब कुछ है जबकि बाईकॉट चाइना प्रोडक्ट का भी सारा कुछ है पब्लिक में भी गुस्सा है लेकिन फिर भी एक्टिविटीज़ तो दोनों कंट्रीज़ की आज के दिन भी हो रही है हो रही हैं अब वो जो पॉइंट ऑफ डेड एंड पे नहीं आए दोनों कंट्री और यही कोशिश होती है ये चूँकि दो कोई छोटे कंट्री नहीं है दो बहुत बड़े कंट्री हैं दोनों की ये कोशिश होगी कि भाई किसी तरह से वो बड़ा क्लैश जो है उसमें जाने से पहले या उसको एवॉइड किया जाए और कोशिश की जाए कि उसको सेटल किया जाए तो ये एक ही वक्त में चल रही होती हैं चीज़ें अब शंघाई जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है वो भी काफ़ी समय से बनी हुई है हाँ। अच्छा उसमें भी बैठता एक और थी वो एशिया का बना हुआ था मैं मुझे नाम भूल गया उसका एक और ग्रुप बना हुआ था ठीक है उसमें भी बात नहीं बनी उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट टाइम जाने से इनकार कर दिया अब देखिए पीछे से डिप्लोमेटिक डोर्स भी खुले होते हैं नेशंस के तरफ में वो तो चीन और अमेरिका के भी खुले रहते हैं अगर ये डोर बंद होने होते हैं ना डॉक्टर साहब तो उसका एक सिंपल तरीका होता है एम्बेसी बंद हो जाती हैं टोटल है। जब तक मुल्कों के बीच एम्बेसी चल रही होती हैं मतलब बातचीत का सिलसिला चलते चल पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो आ, जो कोल्ड रिलेशन है उससे ज्यादा कोल्ड रिलेशन तो नहीं है चीन और भारत के उनकी अम्बेसी चल रही है आपस में ठीक है वो टेंशन चलती रहती है पाकिस्तान बांग्लादेश की अम्बेसी चल रही है जिनसे वो जीनोसाइड के बाद उन्होंने आजादी ली थी तो ये तो दुनिया में डॉक्टर साहब दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे बुरे तरीके से चल रहे होते हैं लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी अपने पेंगुलम के साथ चल रहे होते हैं अगर छोटे लेवल के हैं तो वो छोटे लेवल पे हैं hmm. अब चूंकि भारत और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं अभी इसी हफ्ते के शुरू में हमें इंफॉर्मेशन आई yes. कि उन्होंने चीन ने फिर कोशिश की right. एग्रेशन की hmm. भारत ने उस कैंप पर कब्जा कर लिया hmm. चीन ने उस पर बड़े सख्त बयान दिए उन्होंने चीन के एम्बेसडर ने दिल्ली में यहाँ तक कहा कि बड़े शदीद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मतलब इस हद तक लैंग्वेज गई अच्छा ये लैंग्वेज एक लेवल पे होती है दूसरी लैंग्वेज अब वो राजनाथ साहब कोई चीन के डिफेंस मिनिस्टर को ये थोड़ी कह रहे होंगे कि जी आए हम फिर बैठ के चाय पियेंगे वो यही कह रहे होंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं वो ये कह रहे होंगे कि उनके काउंटर पार्ट चाइना के कह रहे होंगे आप नहीं ठीक कर रहे अब बीच में रशिया है अब ये जो बीच में रशिया है इस शंघाई ऑर्गेनाइजेशन की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें रशिया का रोल मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर रोकता हूँ रशिया का मैं टेलीविज़न दो तीन दिन से हर रोज ही देखता हूँ दो तीन दिन से मैं ख़ास तौर पर एक टॉक शो आता है उनका मुझे नाम बोल रहा है उस टॉक शो में वो मकम्मल तौर पर अमेरिका के लटे ले रहे हैं यानी रशियन स्टेट टीवी जो है वो कह रहा है कि जी अमेरिका तो बहुत ही घटिया और चीन बहुत बढ़िया कंट्री है लेकिन ये बात मैं गौर कर रहा हूँ कि रशिया के टी वी पर कोई टॉक शो मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा जिसमें उन्होंने चीन और इंडिया के इशू पर बात की हो चूंकि वो उसमें पोजिशन नहीं देना चाहते वो आप कहते हैं आपस में ठीक है सिर्फ आपस में भी नहीं है और मेरा ये भी कहना है और मानना है आप भी समझते हैं इस बात को कि रशिया इंडिया के खिलाफ भी नहीं जाएगा किसी सूरत नहीं जा सकता दो तीन वजह हैं एक तो इंडिया उनसे असला काफी लेता है hmm. तो अपने ही बाहर को आप कैसे बुरा भला करेंगे दूसरा पुराने रिलेशनशिप बहुत रिलेशनशिप के के बहुत है। और वो अच्छे हैं, तो इसलिए अब रशिया का ये रोल सामने आ रहा है मीडिया में कि रशिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से चाइना hmm. और भारत में वो जो हीट है वो कम हो देखिए मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी आज तक हाँ जी चाइना ने किसी की बात नहीं मानी अंदर अपने हिसाब से वो पॉलिसी करते हैं मैं ना आपको एक लेटेस्ट कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस ने एक रिपोर्ट पेश किया यूएस कांग्रेस को उस रिपोर्ट में उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा चाइना के बारे में मैं एग्जैक्टली exactly आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा आप उसके बारे में जरूर क्योंकि ये बड़ा खतरनाक पढ़ा जी उन्होंने कहा कि चाइना इज डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेर कैपेबिलिटीज सच है सेटेलाइट जैमर्स ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज एंड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ठीक और उन्होंने आगे भी कहा कि जो पी एल ए है क्योंकि वो चाइना की बात पी एल ए सही करते हैं या कौनी पार्टी करते हैं वो कोई मतलब ये है उन्होंने <laughs> <आर्नी है, laughs> <थी थी तीकामने laughs> कहा कि पी एल ए कंटिन्यूस टू एक्वायर एंड डवेलप टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग नाइटिंग मिसाइल बहुत बड़ी बात है एज वेल एज एक्सपैंडिटीज विच कैन मॉनिटर ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद इन देयर फील्ड ऑफ व्यू एंड एनेबल एक्शन ये दो सौ पेज की उन्होंने रिपोर्ट चाइना के ऊपर दी है ठीक है मैंने जैसे पहले आपको बताया कि चाइना स्पेस के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहा है तो ये ठीक है कि आप हम कहते हैं कि चाइना कैनाडा फोर्ट इंडिया कैनाडा फोर्ट लेकिन जो चाइना जिस ढंग से हाँ जी आगे बढ़ रहा है जी, उसका कंसर्न हिंदुस्तान को है लेकिन हिंदुस्तान की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं देखिए मुझे पता है बहुत हमारे व्यूज़ जो हैं जब हम हिंदुस्तान के जी, बारे जी, में बात करते हैं तो नाराज होते हैं लेकिन सच्चाई जो है ये जो रिपोर्ट दी गई है ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दी है कांग्रेस को जी और क्या इस रिपोर्ट के बेस के ऊपर हिंदुस्तान जो है वो कैपेबल है कि इन चीजों को काउंटर कर सके अंडर प्रेजेंट दर्कमस्टांसिस जिसमें की प्रॉब्लम है और कोरोना वायरस आप जहाँ कहे दुनिया में बढ़ रहा है लेकिन हिंदुस्तान इज सफरिंग वन ऑफ द नंबर वन एट दिस मोमेंट राइट देखिए डॉक्टर की तरफ आता हूँ अमेरिकन की ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली ये अमेरिकन की मेहरबानी है ना कि उन्होंने चाइना को इतनी खुली छूट दी हुई थी कि सारी टेक्नोलॉजी जसूसी के ज़रिए अमेरिका से चोरी होकर उधर जाती रही अब उन्होंने रोकना शुरू किया तो अभी भी कौन से रुक जाएंगे वो तो पहले तो बात यह कि अगर अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री अमेरिका जैसा कंसर्न कंट्री इसको नहीं रोक सका उन्होंने चाइना को इकोनॉमिक पावर बनाया खुद ही छोटे देखे ठीक है और चाइना के साथ अमेरिकन जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन आई हैं स्पेशली फ्रॉम रेगन से इवन 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 ठीक है मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेशन तक मैं इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट्स नहीं शामिल हैं पूरी के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो गया जो कि वो तो बैठे घर में ट्वीट दे रहे हैं ना लेकिन जो जब जो पैंटागॉन से या जो इधर उधर से आईटी चोरी हो रही है डिफेंस टेक्नोलॉजी चोरी हो रही है वो तो ट्रम्प का कोई लेना देना नहीं है ना उससे चूंकि ट्रम्प से तो ट्वीट देने के लिए है ना या बैठ के इधर बैठे तक, ये तक ही ये कर रिपोर्ट भी तो तो ने दी है मतलब ये अब पैंटागॉन सोचे ना कि भाई <laughs> आफ्टर ऑल यहाँ से कैसे टेक्नोलॉजी गई ठीक है अब वो कर रहे हैं चाइनीज स्टूडेंट्स को बैन कर रहे हैं और बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन जो अब तक किया है उसका ये खुमियाजा है ना भुगते और उसके अलावा अभी भी जो ये पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकली कितनी लगती हैं वो तो आ, आगे खासतौर पर इलेक्शन के बाद एक दो सालों पर पता चलेगा ना कि इनफैक्ट क्या होता है अब ये ये कंसर्न अमेरिका का जो है वो भारत के लिए कम है अपने लिए ज़्यादा है चूंकि अब सवाल समझिए कि भारत इस सारी सिचुएशन में क्या करेगा देखिए भारत कोरोना को आप भूल भी जाएं आप समझिए दुनिया बड़ी स्मूथ है कोरोना नहीं आया तो, ये तो बात तय थी ना कि मिलिट्री वाइज टेक्नोलॉजी वाइज और अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज वाइज चाइना ऑलरेडी भारत से बहुत आगे था आप ये समझे कोरोना नहीं है तो बात तो एक ही है अब जो मसाइल भारत पे आन पड़े हैं वो चाइना पर भी आन पड़े हैं एक जो इकोनॉमिक हिट्स के हैं वो अपनी जगह है लेकिन देखिए बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर साहब ये जंगें जो होती हैं वो चलती हैं अभी तो ये सारा जो कंसर्न शो किया है आपने जो पढ़ा ये आइंदा पंद्रह से तीस साल में डेवलप होना है अभी उनके पास है भारत से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं ये तो हर भारत भी मानता है लेकिन डॉक्टर साहब जंग में भारत के साथ जो चाइना का चाइना ने को भारत में ये मैं आपको बता दूँ आपने शुरू में सवाल उठाया था, था कि हमला होगा कि नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमला कोई बड़ी वार्ड स्केल वारो होने जाएगी वार जो है वो हिमालय की पट्टी में ही रहनी है मैं तो मानता ही नहीं वार होगी क्योंकि मैं, मैं वही कहता हूं, आ, थ्री, तीन हजार चार सौ अट्ठासी किलोमीटर का ये एरिया है चाइना और उनका बॉर्डर बिल्कुल जो कि ब्रिटिश एक नसूर दे गए कश्मीर का भी दे गए और ये भी दे गए और नेहरू ने उस पर मरमपट्टी के बदले उसको और बढ़ा दिया चलिए डॉक्टर जो तो हिस्ट्री में हुआ वो तो हुआ ना। अब कुछ नहीं नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त तो सामने नजर आ रहा रहा है। मैं समझ रहा हूं। लेकिन ऑफ लेकिन हाँ हिस्ट्री इस है? इस तो, अंडू तो बात की बात है इस वक्त तो ये है कि हाउ डिफेंसेंस देखिए इसलिए मुझे मेरा जो आर्गूमेंट है वो ये नहीं है कि चीन के पास इतना कुछ मालो मताज है तो भारत कैसे आगे खड़े होगा वो फुल स्केल वार्ज होती है तब ये क्वेश्चन आता है जब ये स्कमीशन हो हैं प्रॉक्सीज होनी होती हैं उसमें उसमें इतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं उसमें बहुत रीजनल रिसोर्स चाहिए होते हैं क्योंकि इस वक्त जो ये कर रहे हैं इस वक्त भारत को एक एज है कि भारत की जो पोस्ट है ना हिमालय के आसपास भारत के पास जो जो इफेक्टिव पोस्ट हैं जहाँ से वो अपने डिफेंस तैयारे उड़ा सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। वो, वो हरियाणा से लेके मुझे एक भारत के मैंने एक इंटरव्यू किया था भारत के एक बड़े ही न्यूट्रल मिलिट्री एनालिस्ट का संजय डिक्सट जी का और उन्होंने मुझे स्टैटिस्टिक्स से ये बात समझाई थी कि भाई ये तो एज है हमें उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है इसमें कोई शक वाली बात यहीं पे जी देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जी जो हाईवेज उनके ऊपर हिमालज में बने हुए हैं जो उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हुए हैं हिंदुस्तान को तो एक टैंक भी अगर लेके जाना होता है ना ये है रियल पिक्चर एक टैंक भी लेके जाना होता है तो वो एक बहुत बड़े हवाई जहाज में जाता है मतलब दे डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू रीच देयर अभी रोड्स बन रही हैं जो रोड वहाँ पर आठ साल में बननी थी वो बारह बारह साल हो गए ये देखिए ये थोड़ी सी एफिशेंसी जो है ना ये तो लानी पड़ेगी इफ़ दे रियली टू फेस चाइना देखिए मुझे इसके आप, बारे। आप जो मर्जी कहें जी। लेकिन ये बात तो पक्की है कि उन्होंने तो कंप्लीट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे कर लिया हुआ। मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं उस पर जो होता है, है ना सोशल मीडिया की बात मीडिया नहीं ये तो हमने तो ठीक आ, लेकिन जो मुझे बताते हैं और मेरे टेलीविजन पर आके बताते हैं एक्सपर्ट्स कि भाई जैसे श्रीनगर का एयरपोर्ट है वो कोई दूर नहीं है ठीक है और अब वो कहते हैं कि इतना का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्पीट कर सकते हैं। सिर्फ उस रीजन की बात करते हैं बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी वो बात नहीं करते क्योंकि आप ना आप सिर्फ लद्दाख की बात कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ सिक्किम जी एंड अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी चाइना ने बहुत ज़्यादा अपना प्रेशर डाला हुआ है देखिए वो लद्दाख एक तरफ़ है लेकिन ये बाकी के भी जो पार्ट्स हैं हिंदुस्तान के इनके ऊपर भी उन्होंने प्रेशर डाला है डॉक्टर साहब वो ज़रूर होगा वो तो हर किसी दिन में किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा आ, आ, वो तो अपनी जगह डिबेट है मसला इससे बहुत बड़ा है मसला इससे बहुत बड़ा है बिगर है कि जब चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी तो वो जो आपने वो जो एक हज़ारों मील बॉर्डर है उसकी बात की उसमें कहाँ कहाँ पे भारत इनको अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कैसे इनको काउंटर कर सकता है तो भारत की अभी आपने मिलिट्री की कमान uh, की कोर्ट uh, की बात तो कोई ना कोई कैपेबिलिटीज यकीनी तौर पर होंगी दो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं एज कमेंटेटर जो इतनी बड़ी बात करते हैं सेकेंडली जो चीन इतना आगे बढ़ के नहीं कर रहा उसमें भी एक ये बात जरूर बताती है कि उनको भी मसल्स भारत के नज़र जरूर आ रहे हैं देखिए चीन का तो एक सिंपल सही फिलासफी है पिछले जो मैं बीस साल जी से जी। उनको नोटिस कर रहा हूँ वो हर बार पंद्रह बीस किलोमीटर आ जाते हैं दस बारह किलोमीटर पीछे हो जाते हैं इस तरीके से वो चार पाँच छ किलोमीटर जमीन पे कब्जा लगातार करते आ रहे हैं मुझे नहीं पता है इसके नहीं 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 नहीं, 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 नहीं चलिए क्यों नहीं आपने लद्दाख लद्दाख के बारे में सोच लीजिए जो गालवा में हुआ था वो कितने किलोमीटर अंदर आ गए थे लेकिन आज भी पाँच सात किलोमीटर वो नहीं गए छोड़ के मुझे मैं डॉक्टर के ऊपर मैंने तो सिर्फ जो उनकी आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट उस पे बात की हुई है कितने किलोमीटर अंदर आए हैं कितने किलोमीटर पीछे गए हैं मेरे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं को तो है, है। तो, देखिए ना तो, ये एक जर्नलिस्टिक है दो आगे। आगे। मतलब वो जो जो उसको साबित कर सकता है साबित कर दे मुझे पता ही नहीं है मैं ना उसको साबित करने की पोजीशन में हूं ना रिजेक्ट करने की पोजीशन में हूं ठीक है ना डॉक्टर साहब जर्नलिज्म में

आ, क्योंकि चाइना का आ, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो उसका काम पोकिंग, पोकिंग है, ऐसे, ऐसे, <laughs> है ना कॉमन सेंस की बात <laughs> नहीं, नहीं, और, पोकिंग। नहीं, नहीं पोकिंग भी करनी है तो आपको जब इतने लेवल पे पोकिंग करनी होती <laughs> है तो आपको उसके लिए खर्चा ही करना होता है खर्चे के बगैर कोई पॉकिंग नहीं, नहीं होती। बंद हुई है आपको अंदाजा नहीं कोई एप्स नहीं थी ना ठीक है तो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट डॉक्टर साहब फिर ये तो फिर होता है और दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट वो तो छोटे छोटे गरीब कंट्रियों को सफर करने पड़ते हैं भारत तो फिर एक बहरहाल वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है तो वो इतना तो फिर भारत को करना ही होगा ना अपनी नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए, <laughs> के लिए। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के ऊपर जी आ, जो रिसेंटली मीटिंग हुई है जनरल लेवल के ऊपर मीटिंगें हो रही हैं वो तो लगातार हो रही हैं लेकिन कोई रिजल्ट सामने नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब रिजल्ट इन चीज़ों के इस तरह के कोई यानी ब्लैक एंड वाइट में नहीं हुआ करते हैं ये जो होते हैं ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं इसमें बहुत ग्रे किस्म की शेड्स आ रहे होते हैं कि इफ एंड बट्स होते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम आपको यू निपटेंगे तो ये सारी लैंग्वेज और ये सारे कॉन्सिक्वेंस इजी बेसिस पे होते हैं अगर वो रिजल्ट आ जाए तो ईशू सॉल्व हो जाते हैं और अगर दुनिया में इशू सॉल्व हो जाए तो फिर आप बैठ के बात नहीं करेंगे नहीं नहीं दुनिया में कभी सॉल्व नहीं होते दैट इज़ देयर लेकिन एट द सेम टाइम अगर चाइना को भी इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हिंदुस्तान भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो चाइना क्या इस वक्त इसमें से गेन कर रहा है कभी अपने पेंगोंग पर चले जाता है कभी गालवा में चले जाता है कभी और जगह पर चले है व्हाट व्हाट चाइना इज़ ट्राइंग टू गेन साहब हमने पास में देखा कि सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी थी पर्टिकुलरली फॉर द पास 25-30 साल जो उनके आखिरी पच्चीस मैं उसका ठीक kind of सोवियत यूनियन अपने पंगों से जैसे पंजाबी में कहते कभी बाज नहीं आया था ठीक वो अफगानिस्तान तक आ गया था और जब सेवेंटी नाइन में वो वहां पे आया फिर वहां से जो रेटरी उसको शुरू कर तब भी वो लगा रहा अनटिल अनलेस 90 ईयरली 90s में वो टूटा नहीं तो, राइट ठीक है अगर हम ये कहें कि जी ये मैं अगर बहस करूं कि रोवी यूनियन को क्या गेन था mm. क्या फायदा था वो तो लॉस ही लॉस में थे ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह के डॉक्टर सब होते हैं इसमें लॉस ही लॉस होता है mm. अमेरिका जैसा कंट्री जब आप ताइवान से लेके अह mm. वियतनाम ज़्यादा तो वियतनाम में हुआ कोरिया पहले बड़े में जो तीन कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस वियतनाम मिडल ईस्ट अफगानिस्तान इसमें अमेरिका को गेन क्या हुआ लॉस ही लॉस हुआ टोटल लॉस ही लॉस हुआ लेकिन जो चूंकि अमेरिका की आमदन थी एक अमीर कंट्री था तो अपने ही लोगों के टैक्स पेयर्स की मनी से वो इस लॉस को या उस, उस हार को बर्दाश्त करते हैं ट्रिलियंस डॉलर ने ठीक है आ. तो जब ये बड़े बड़े कंट्रीज आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट तो फिर ये नहीं वो सोच रहे होते कि हमें को इसमें फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है आ, अब वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए पब्लिक कंजम्पशन बहुत बड़ी शेयर होती है ने. अब वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए चले गए हैं कॉन्फ्लिक्ट तो उनका फायदा उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि उस कॉन्फ्लिक्ट में रहना है फ्रैंकली जितना बड़ा चाइना कंट्री है अपने वो जियोग्राफी के

डॉक्टर प्लस जो नौजवान बेचारे शहीद हो जाते हैं ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स वो वो बड़ी दुख अच्छा देखिए नौजवान भी शहादत के लिए या जंग के लिए तभी आगे बढ़ते हैं जब वो सोवीरिटी को डिफेंड कर रहे होते हैं yeah, right. अगर को ही नहीं करेंगे, तो वो बैठे आराम से बैठे चाय पीते रहेंगे को डिफेंड करने के लिए जाते हैं तो फिर इस तरह के वाक्यात होते हैं तो डॉक्टर खेल में फायदे नुकसान की बात नहीं होती ये खेल ही जंग जो है ना ये खेल ही मतलब आपस में मथा लड़ाने की जंग जंग तो अब क्या होगी खैर उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के ऊपर हिंदुस्तान और चाइना के जो जनरल्स हैं वो कोई ना कोई किसी डिसीजन के ऊपर पहुंच जाए और इस किस्म के जो झगड़े हैं वो बंद हो जाते जाते हम अमेरिका के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि इलेक्शन जो हैं वो अब तीन नवंबर को आने वाले हैं एक एक प्रोफेसर है एलन लिचमैन जो हमेशा हर साल ये अनाउंस करते हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट जीतेगा या कौन सा प्रेसिडेंट नहीं जीतेगा 1984 से लेकर आज तक उन्होंने जो भी प्रडिक्ट किया वो सही निकला बल्कि लास्ट टाइम बहुत लोग उनसे नाराज़ हो गए जबकि उन्होंने ये कहा कि ट्रम्प जीतेगा इस बार उन्होंने कहा कि ट्रम्प जो है हार रहा है।, है उन्होंने अभी भी पक्का नहीं कहा कि वो हार जाएगा मैं रिसेंटली अभी ताहिर साहब देख रहा था कि आ, सारी दुनिया कह रही है वहाँ के सर्वे कि जी बाइडन आ गए हैं आ गए हैं वो तो चलो स्लीपिंग बाइडन आ गए हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हेलरी क्लिंटन का झंडा चढ़ा हुआ था कि बाजी जीत गई जीत गई जीत गई और आखिरी साठ दिन में ट्रंप साहब ने जिस तरीके से आ, उस इलेक्शन को जीता मुझे आज यही नज़र आ रहा है कि जो बड़ी कंट्रो जो कि बहुत इम्पॉटेंट स्टेट्स हैं जिन जिनमें से आपको आ, बहुत जरूरी इलेक्शन जीतने हैं वहां पर पीछे होते हुए भी एवरी वीक है जी एक परसेंट जो है वो ट्रम्प साहब वहाँ पर गेंद कर रहे हैं इस सारे सिनेरियो में आप क्या देखते हैं दरअसल बात यह है कि अगर वो प्रोफेसर एलन जिनका आपने जिक्र किया जी वो हर बार आप कहते हैं कि वो ये कहते थे हाँ। कि फला जीतेगा और जीत जाता था और ट्रम्प का भी उन्होंने कहा था लास्ट इलेक्शन हाँ। में और इस बार वो आप कह रहे हैं कि पक्का नहीं वो कह रहा

पिछले इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन आखिरी आख, दिन में भी नहीं आखिरी साठ मिनट तक भी मीडिया तो सारे सारे का सारा कह रहा था कि ट्रंप तो ऐसे ही बीच में आया ये तो हिलरी क्लिंटन साठ दिन तो बड़ी बड़ा टाइम होता है साठ मिनट तक यही कह रहा था कि वो तो यही आया ठीक है नहीं वो तो नहीं आएगा और ये ये जीतेंगे अब जो सूरत हाल है कि जो बाइडन जो है वो सिर्फ ट्रंप की मुखालफत की वजह से आगे नहीं आए ये पूरी कारपोरेशन पूरे का पूरा दुनिया उनके साथ मिल गई वरना उनमें कोई अहलियत नहीं कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन सके कोई कोई स्टेट्समैनशिप नहीं है अच्छा ट्रंप साहब भी कोई बहुत ही ग्रेट आदमी नहीं है ये भी मानता हूँ <laughs> बहुत ब्लेंडर करते हैं सब कुछ है लेकिन ट्रंप एक नॉन कन्वेंशनल <laughs> hmm. मैंने ऐसा लीडर देखा नहीं, आ, देर किसी नहीं, नहीं देखा <laughs> नहीं मैं, मैं इस आज के पोलिटिकल के जमाने में ट्रंप के तमाम तरफर के बावजूद मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई हर चीज और खासतौर पर मीडिया की जो बदमाशी है ना मीडिया हाउसेस की बदमाशी मीडिया हाउसेस डॉक्टर साहब कोई इंफॉर्मेशन का ही नहीं है वो पार्टीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अच्छा उनके साथ मत्था लेना लग, बहुत मुश्किल काम है ये शख्स चार साल से उनके साथ मत्था लगा रहा है बहुत मुश्किल काम है चूंकि अमरीका में सोए एक मीडिया के वो भी पूरा इसके साथ नहीं है फॉक्स न्यूज ठीक है वो ज्यादातर इसके साथ है आ, लेकिन पूरा नहीं है वो वो भी साथ वो वो भी कभी कभी वो जिसको कहते हैं ना ठीक है कहीं ना कहीं कुछ कर देता है हाँ वो भी लेकिन इस पूरा मीडिया में <laughs> इस शख्स के खिलाफ है और ये शख्स हर रोज पूरे मीडिया को गालियां निकाल सीधा सीधा गालियां ठीक ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की इनवायरमेंट इस शख्स ने तोड़ी है ये सदर हो ना हो आगे तक मैं उसको खराज सिंह पेश करता हूं right. ठीक है कि भाई ये आफ्टर ऑल हम खुद मीडिया छोटा सा लेकिन आफ्टर ऑल कब तक ये बुलिंग चलेगी मीडिया हाउसेस की मीडिया हाउसेस में डफर जो बैठे होते हैं एनालिस्ट और जर्नलिस्ट बहुत सारे जिनको सिर्फ रिपोर्टिंग करनी चाहिए वो ओपिनियंस दे रहे होते हैं दुनिया के बारे में ठीक है शख्स उनको ये कह रहा है कि अगर मैं डफर हूं तो तुम भी डफर हो और वो बिल्कुल साबित हो रहा है लेकिन मैं अब सिर्फ अपनी ओपिनियन दे सकता ओपिनियन ही ठीक है मैं एलन नहीं, नहीं। कि प्रिडिक्ट कर सकूं मुझे लग, लगता है डॉक्टर साहब कि ट्रम्प साहब रियलेक्ट होंगे रियलेक्ट होंगे एक तो वो गैप कम हो रहा है और ये गैप मैटर नहीं करता मेरे लिए फ्रेंकली अगले मेरे नज़दीक तो साठ आखिरी साठ घंटे इंपॉर्टेंट है साठ दिन इंपॉर्टेंट नहीं <laughs> क्योंकि साठ दिन में ट्रंप साहब कोई भी ब्लंडर कर सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं लेकिन मैं हमारे एक अंकल हैं जफर इकबाल उनका शेर है कमाल का शेर है वो है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफ़र आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए क्या बात तो <laughs> ट्रम्प साहब इस मामले में साहिब किरदार है वो जिस बात पे अड़ जाते हैं ना वो कहते हैं ठीक है यही बात है फिर <laughs> आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत धन्यवाद आप अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी आपके कमेंट्स जो हैं उनको हम बहुत प्यार से पढ़ते हैं थैंक यू वेरी मच एंड है वेरी वेरी नाइस टाइम इन फ्यूचर Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.